भारत में 1984 अंदर सिखा का कतलेआम किया गया सी। तकरीबन 40 साल बीतन वाले हैं तो अज तक सिखा इंसाफ नहीं मिले। तो कातल आजाद हैं तो कानून उन्हों की राखी कर रहा है। तो हूँ 1984 सिख कतलेआम जुड़े पुलबंगश मामले में जगदीश टाइटलर बारे CBI की चार्जशीट के कई वड्डे खुलासे हुए हैं। इस मामले के गवाह ने दसिया कि जगदीश टाइटलर ने 1984 के सिख कतलेआम दौरान भीड़ को भड़काया। इस मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी। इस संबंधी पूरी जानकारी सीनियर वकील HS फुलका के वालों साझी की गई है। आज जो जगदीश टाइटल के खिलाफ CBI ने चार्जशीट फाइल की है, जिसमें 3 सिखों का कत्ल है। गुरुद्वारा पुलबंगश के बाहर 3 सिखों का, बादल सिंह, ठाकर सिंह और गुरचरण सिंह का कत्ल हुआ था 1 नवंबर 1984 को। उसके बारे में आज CBI ने कोर्ट में बहस किया कि चार्जेस के ऊपर बहस किया और कहा है कि ये टाइटल का नाम है, गवाहों ने टाइटल का नाम लिया है और 4 गवाह अभी जो इन्होंने जब टाइटल को देखा है वहां पे, और ये जो एक गवाह की डेथ होगी सुरेंद्र सिंह, उसने भी माना है कि उसने टाइटल को देखा है और इस बना पे टाइटल के अगेंस्ट ये जो कत्ल का मुकदमा ये चलना चाहिए। तो आज ये एविडेंस उन्होंने पढ़ के सुनाया कोर्ट को, जो इन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं CBI के वकील ने। अब टाइटल के वकील को जज साहब ने कहा है कि उसने जो बहस करनी है वो करे। अब 22 जनवरी की डेट इसमें लगी हुई है। अच्छा, उसने जो उन्होंने कहा, पहले उन्होंने ये कहा कि इसमें जो 6 जनवरी 1984 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, टाइटल वहां पे गया, इन्होंने कहा कि आपने जो लोगों को अरेस्ट किया है, मेरे लोगों को अरेस्ट किया है, उनको छोड़िए। बट अब पुलिस ने तो दंगाइयों को अरेस्ट किया था, पुलिस ने तो अरेस्ट उनको किया था जो सिखों को मारने वाले थे। तो इन्होंने इसने जाके एडमिट किया, क्लेम किया कि वो मेरे लोग हैं, आप उनको रिलीज कीजिए। उसके बाद हु आर द गिल्टी जो एक रिपोर्ट आई थी PUCL PUDR की नवंबर 1984 के लास्ट वीक में, वो भी उन्होंने आज CBI में जिक्र किया, वो भी प्रोड्यूस किया, उसमें भी टाइटल का नाम है। उसके बाद सुरेंद्र सिंह ने पूरी डिटेल दिया। सुरेंद्र सिंह ने बताया कि किस तरह से, कितने बुरी तरीके से इन्होंने बादल सिंह का कत्ल किया, कैसे उसको, बादल सिंह को जलाया और यहाँ तक कि पहले उसको जख्मी किया, पहले उसको पेट में छुरे मारे और उसके बाद भी नहीं छोड़ा, उसके गल पे टायर पाके जलाया और कुछ बचा ही नहीं था, बल्कि इतनी बुरी तरह उसको जलाया। और दूसरे 2 गुरचरण सिंह और ठाकर सिंह, उनको भी जो मारा। और इसमें जो अब गवाह हैं वो है हरपाल, जो 4 गवाह और हैं वो